पॉलर्स वाली स्किन पॉलिश आप भूल जाएंगे जब आप ये स्किन पॉलिश अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, कि आप लोगों की स्किन टोन इंस्टेंटली चेंज होगी, आपकी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो नज़र आएगा। और कमेंट करके आप लोग लाजमी मुझे बताएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है स्किन पॉलिश। चांद रात स्पेशल स्किन पॉलिश रात को करके सोएं और सुबह चमकता धमकता चेहरा पाएं। जिन लोगों को टाइम नहीं मिला फेशियल करवाने का, स्किन पॉलिशेस, डीप क्लिनजिंग वगैरह कराने का, सैलॉन्स में जाने का, तो ये धमाकेदार स्किन पॉलिश में आज आपके लिए लेकर आई इंस्टेंट स्किन पॉलिश। अभी भी टाइम है, आप अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, ग्लोइंग एंड लाइटन अप एंड फेयर बना सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात इस स्किन पॉलिश की है, ये होममेड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी स्किन पॉलिश है और जिसके रिजल्ट्स जो उनसे बहुत ही कमाल हैं। सेंसिटिव स्किन वाले जो होते हैं या फिर ड्राई स्किन वाले होते हैं, स्किन पॉलिश आप लोग मार्केट बेस्ड लगाते हैं, आपकी स्किन जो सी है वो बर्न हो जाती है, आपकी स्किन जो सी है बड़ी हार्श हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ये स्किन पॉलिश जो सी है ना, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगी, ग्लोइंग भी बनाएगी और फेयर भी बनाएगी, क्योंकि इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं और होम बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। 3 से 4, 4-5 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल चार चांद लगा देने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा चौधरी। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बनाने लगे इंस्टेंट स्किन पॉलिश जो आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड लाइटन अप कर देने वाली है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो पे लाइक का बटन दबा दें, मेरे यूट्यूब चैनल हबीबा चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को तो प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग सी और इंफॉर्मेटिव रेमेडीज़ की जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन इसकी फ़ौरन से मिल जाएगी हबीबा चौधरी के यूट्यूब चैनल में। इसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा व्लॉग चैनल भी है, जो लोग व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, मेरी डेली रूटीन देखना चाहते हैं, तो लाजमी मेरे व्लॉग चैनल हबीबा चौधरी व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलो जी गाइज, अपनी इंस्टेंट स्किन पॉलिश करते हैं। उसके स्टेप एक ही है, हम स्किन पॉलिश ही बनाएंगे, लेकिन उसको हमने 3 स्टेप्स में करना है। उसके 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। टोटली डिफरेंट स्किन पॉलिश है, जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं ब्रश से और उतार लेते हैं, वैसे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए उस पर ग्लो और शाइन बहुत अच्छी आती है और स्किन टोन टोटली इंस्टेंटली चेंज होती है। तो इसलिए गौर से आपने देखना है किस तरह से मैं कर रही हूँ और बग़ैर स्किप किए, ताकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें, तमाम इंग्रेडिएंट्स नहीं पता चलेंगे और ना ही आपको तरीका पता चलेगा इस स्किन पॉलिश को करने का, क्योंकि ये स्पेशल स्किन पॉलिश है और स्पेशल डे के लिए स्पेशल ही स्किन पॉलिश होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक हाफ़ टमाटो लेना है। यहाँ पे मैंने टमाटो लिया है हाफ़, आपने जस्ट इसी तरह कट कर लेना है, कोई जूस नहीं निकालना है, इसका कुछ नहीं करना, इजी यूज़ के लिए इजी हमारी स्किन पॉलिश है आज की, बहुत ही ज़्यादा इजीली आप लोग कर सकते हैं। आप लोग भी साथ साथ बस मेरे शुरू हो जाएं और स्किन पॉलिश करना स्टार्ट कर दें, जैसे जैसे देख रहे हैं और स्टार्ट हो जाएं, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने स्टार्ट किया है और कैसे रिजल्ट्स आए हैं। चल जी, टमाटो जो सा है वो हमने अपने पूरे फेस पर लगाना है। अच्छा, फेस पर लगाने से पहले एक काम मोस्टली लोग भूल जाते हैं, आपने अपने फेस को लाजमी पहले वॉश करना है, क्लीन करना है, अपने फेस वॉश से, सोप से, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए, अपने फेस को रिंस करें, वॉश करें, उसके बाद हम ये अप्लाई करेंगे। अपना टमाटो पूरे फेस पे आपने राउंड राउंड मोशन में अप्लाई करना है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगी कि आप लोग, सिर्फ आपकी स्किन पॉलिश से फेयर नहीं होगी रंगत, आपकी शाइन नहीं आएगी, साथ के साथ आपकी इससे आपके डार्क स्पॉट, ओपन पोर्स, तमाम चीज़ें जो सी हैं ना वो दूर होंगी। जो लोग बाहर जाते हैं सन में, उनका सन एक्सपोजर होता है, सन में उनकी स्किन जो सी है वो बिल्कुल टैन हो जाती है, तो आपका जो टैन पन है ना, आपके जो सूरज में जाके स्किन डल हो जाती है, डेड हो जाती है, आपकी स्किन भी इससे रिपेयर होगी जब आप ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे। अच्छा, ये जो सा टमाटो है ये आप तमाम स्किन टाइप्स लगा सकते हैं, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, क्योंकि मोस्टली जो उनसी होती है ना स्किन्स वो लेमन नहीं बर्दाश्त करती, चाहे वो ड्राई और सेंसिटिव स्किन, लेकिन उसमें भी आप रोज़ वाटर ऐड कर देना तो आपकी जो स्किन है वो बर्दाश्त कर लेती है लेमन को भी। तो यहाँ पर हम टमाटो लगा रहे हैं, टमाटो जो सा वो ओल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, राउंड राउंड मोशन में आपने इसको 5 से 7 मिनट
इसको मसाज करना है अच्छे तरीके से। तो चलें जी, पहले मैं 5 to 6 मिनट अच्छी तरह से मसाज कर लूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो 5 to 6 मिनट मैंने इस टमेटो के जूस का मसाज किया है, और अब मसाज के बाद आपने फेस को वॉश नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं वॉश करना, ये आपका इसी तरह स्किन पे ड्राई होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं आप लोग स्किन पे कितनी शाइन और ग्लो आ गया है, इसी तरह आप लोगों के भी ग्लो और शाइन आएगी। और ये जो अब हम स्किन पॉलिश अप्लाई करेंगे ना, जब ये आप रिमूव करेंगे फिर तो जादू ही हो जाएगा कि आप लोगों की स्किन जो है ना वो इंस्टेंटली टोन चेंज होगी। उसके बाद जो है हमने बोल लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक खाली बोल लें गाइस। तो उसके बाद जो हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए अपनी स्किन पॉलिश रेडी करने के लिए, वो है जी यहाँ पे कॉफ़ी। यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हैं, जो भी कॉफ़ी है। अगर आपके ये हार्ड ग्रैन्यूल्स हैं इसके कॉफ़ी के, तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं। वैसे इस पर ऐसे चम्मच आप मारेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा, अदरवाइज़ ये आप जब स्किन पॉलिश में ऐड करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ तो ये खुद ही से मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉफ़ी डालनी है बोल के अंदर, ये एटलीस्ट 1 to 2 टेबल स्पून कॉफ़ी के हैं, ये तमाम जो उनसे कॉफ़ी है मैंने इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद ये जो कॉफ़ी है ना, ये आपकी स्किन को लाइटन भी करती है, ब्राइट भी करती है, आपके डार्क स्पॉट्स भी ख़त्म करती है, आपको अगर सन टैन हो गया होता है उसको भी दूर करती है। बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं अपनी आईज़ के अराउंड तो आपके डार्क सर्कल्स भी जो उनसे हैं वो रिमूव हो जाते हैं। फिर में जो हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है जी मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी जो उनसी है ना वो इसमें डाल के रखी हुई है, अक्सर फेस वॉश करती हूँ इससे ही, तो स्किन जो उनसी है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज और हाइड्रेट हो जाती है। तो ये रही जी हमारी मुल्तानी मिट्टी, ये अब हमने इसमें डाल लेनी है। ये मैं भर के जो उनसे हैं 2 स्पून्स जो उनसे हैं टीस्पून है ये ऐड कर रही हूँ। इस तो दोनों इंग्रेडिएंट्स जो उनसे हैं कॉफ़ी और मुल्तानी मिट्टी मैंने इसमें मिक्स कर दी है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मुल्तानी मिट्टी जो उनसी है ना वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट बहुत अच्छे से करती है। जिन लोगों के एक्नी हो जाती है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो जाते हैं, वो इससे रिमूव हो जाते हैं। ये जो स्किन पॉलिश मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये तमाम प्रॉब्लम्स का ना निचोड़ है, मतलब कि तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है ये स्किन पॉलिश। अगर आप इसको रेगुलरिटी से अपनी स्किन पे लगाते हैं ना, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट हो जाती है, आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाती है। थर्ड इंग्रेडिएंट अपना ऐड करेंगे वो है जी राइस फ्लोर। यहाँ पे आप राइस कोई से भी राइस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं राइस फ्लोर ले रही हूँ, आपके पास अगर चावल हैं तो आप उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह से उसको रिफाइन कर लें किसी भी स्ट्रेनर की मदद से, और वो आपका राइस फ्लोर जो है, राइस पाउडर जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे राइस पाउडर जो हमने ऐड करना है अपने इस मटीरियल में वो होगा जी, यहाँ पर मैं 2 स्पून्स ले रही हूँ भर के राइस फ्लोर के। ये जी हमारा राइस फ्लोर है, और ये हम इसमें ऐड करेंगे अपनी, ये 2 टीस्पून मैंने इसमें भर के ऐड कर दिए। अच्छा, ये स्किन पॉलिश जो है ना, ये आप अपने हैंड्स पे भी लगाएं, अपने नेक पे भी लगाएं, फीट पे भी लगाएं। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना हैंड फीट की कोई रेमेडी बताएं, तो ऑलरेडी चैनल पे हैंड फीट की रेमेडीज़ हैं भी, अदरवाइज़ आप लोग ये स्किन पॉलिश अपने हैंड फीट पे भी लगाएं, और इसी प्रोसेस के थ्रू लगाएं जिस तरह हम फेस पे लगा रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके हाथ भी नीट एंड क्लीन हो। चलें जी, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का जो सा है ना पाउडर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर अब उसमें हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है जी यहाँ पे बेकिंग सोडा, खाने वाला बेकिंग सोडा। दूसरा सोडा नहीं लेना आपने, खाने वाला बेकिंग सोडा लेना है। अच्छा, ये ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपकी सेंसिटिव या फिर ड्राई स्किन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके साथ मैं एक और इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी, तो आप स्किन जो सी सेंसिटिव या ड्राई स्किन वाले हैं वो भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर हमने लेना है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का, ये मैं भर के 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का ले रही हूँ, और ये हमने अपने इसी इंग्रेडिएंट में ऐड कर देना है।
और इन सबको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल मैजिकल स्किन पॉलिश रेडी हो रही है। समर्स में बहुत ही अच्छी है, पूरा समर आप इसको लगाएं और अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कर लें। समर स्पेशल स्किन पॉलिश भी है कि आपकी समर्स में जो है ना, आपकी स्किन में कोई ऑयलीनेस नहीं आएगी, आपकी स्किन जो सी है वो हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रहेगी। इसके बाद हमने इसमें डालना है रोज़ वाटर। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लेमन एंड रोज़ वाटर मिक्स किया हुआ है और यही मैं अपने इस जो स्किन पॉलिश बना रही हूँ इसमें ऐड करूँगी। आपने ये इसकी क्वांटिटी उतनी डालनी है कि आपकी थिक सी पेस्ट बन जाए, जैसे कि हमारी स्किन पॉलिशेस वगैरह की होती है। इस तरह हमने डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मेरी स्किन पॉलिश रेडी हो गई है। अब इसमें हम स्पेशल इंग्रेडिएंट अपना ऐड करेंगे, वो है जी लेवेंडर ऑयल। यहाँ पे मैं लेवेंडर ऑयल 1/2 से 1 teaspoon ऐड करूँगी। अच्छा, जिन लोगों की सेंसिटिव या ड्राई स्किन है और जो बेकिंग सोडा को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आप लोगों ने ड्राई मिल्क भी ऐड करना है। लिक्विड मिल्क नहीं ऐड करना, ड्राई मिल्क ऐड करना है। अगर नहीं है तो आप लिक्विड ऐड कर सकते हैं, लेकिन रॉ मिल्क ऐड करिएगा फिर। अच्छा, तो यहाँ पे हम जी यहाँ पे लेवेंडर ऑयल डाल रहे हैं, और साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। सोचिएगा कि लगा लेनी है और वॉश कर लेनी है, इसका प्रोसेस डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, सबसे पहले हम लगाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका नेक्स्ट क्या करना है। तो स्किन पॉलिश को हमने स्किन पॉलिश का जो ब्रश है उसकी मदद से पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगा लेनी है। बस आइज़ वाला एरिया छोड़ देना है, बाकी पूरे फेस पे आपने लगा लेनी है ये स्किन पॉलिश। हैंड और फीट पे भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको ड्राई करना है। हैंड फीट पे भी हम इसी तरह से इसी प्रोसेस के थ्रू करेंगे। ड्राई फुल फेस को अच्छी तरीके से करके उसके बाद हमने रोज़ वाटर और लेमन का जो स्प्रे बनाया था वो हमने अच्छी तरह से पूरे फेस पे करना है। फेस को अच्छी तरह से स्प्रे से वेट कर लेना है और फिर हमने इसको मसाज करना है। इस मसाज करने से 5 से 7 मिनट आपने ये मसाज करना है। इसके करने से आपकी स्किन जो सी है वो बिल्कुल नीट हो जाएगी, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और स्किन पे इंस्टेंट ग्लो आएगा। जब आप फेस वॉश करेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा, कमेंट करके आप लाजमी बताएंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पॉलर वाली स्किन पॉलिशेज आप भूल जाएंगे जब आप ये स्किन पॉलिश अप्लाई करेंगे, इतना ग्लो नज़र आएगा आपको इस स्किन पॉलिश से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक लाजमी कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करने से नेक्स्ट